हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? प्लासेंटेशन। पिछले क्लास में हम पढ़े थे, अगर एक कार्पेल प्रेजेंट होगा तो उसको मोनोकार्पेलरी कहते हैं, अगर मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट होगा तो हम दो कंडीशन देखे थे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस और मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। उसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं प्लासेंटेशन। लेकिन आप बताइए, एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या हुआ? क्या हुआ एपोकार्पस में? क्या था? कार्पल्स फ्री थे, है ना, कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज नहीं थे। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या हुआ? लोटस रोज और माइकेलिया। क्या? लोटस रोज और माइकेलिया। मल्टी कार्पस सिन सॉरी मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। क्या? मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। इसका एग्जाम्पल क्या था? मस्टर्ड टोमेटो पेपावर। क्या था? मस्टर्ड टोमेटो पेपावर। आगे प्रोसीड करते हैं प्लासेंटेशन। क्या प्लासेंटेशन? प्लासेंटेशन क्या होता है? ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन ओवरी। क्या? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। एक बार फिर से, ओवरी वॉल पे ओव्यूल्स का या सीड का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्लासेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लासेंटेशन कहलाता है। देखेंगे प्लासेंटेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। ये जो प्लासेंटेशन होता है, ये अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लासेंटेशन फाइव टाइप्स के हैं। कौन कौन से? प्लासेंटेशन लिखेंगे, प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन। अरेंजमेंट के बेसिस पे प्लासेंटेशन कितने टाइप के? भाई फाइव टाइप्स के। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। क्या आता है? मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा होता है एक्साइल प्लासेंटेशन। क्या होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन। और तीसरा होता है क्या? एक्साइल प्लासेंटेशन, मार्जिनल एक्साइल, और पेराइटल प्लासेंटेशन। क्या होता है? पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन। उसके बाद हमें पेराइटल प्लासेंटेशन। फोर्थ क्या होता है? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। क्या? फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। और लास्ट में होता है बेसल प्लासेंटेशन। क्या होता है? बेसल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन में होता क्या है? ये हो गया ओवरी, ओवरी वॉल, ठीक है, जो मटर में देखते हैं क्या, ओवरी वॉल। ओवरी वॉल्स के मार्जिनल वॉल पे, किस पे? मार्जिनल वॉल पे इस तरह से ओव्यूल का अरेंजमेंट होगा। क्लियर? तो इस तरह के प्लासेंटेशन को क्या कहेंगे? मार्जिनल प्लासेंटेशन। ये जो पी होता है ना, मटर होता है, मटर का जो छिलका आप छिलके फेंक देते हो, अल्टीमेटली है क्या? वो है ओवरी वॉल। क्या है वो? ओवरी वॉल। उस ओवरी वॉल के अंदर क्या होता है? ये ओव्यूल होता है, यानी उसका फॉर्मेशन सीड में हो चुका है। तो ओवरी वॉल पे, मैच्योर ओवरी पे सीड का अरेंजमेंट या ओवरी वॉल पे ओव्यूल का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्लासेंटेशन कहलाता है। अगर ओवरी वॉल के मार्जिन पे ओव्यूल अटैच्ड होगा तो वैसे प्लासेंटेशन को कहेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन। आपको पता चल रहा है, जनरली ये मोनोलोकुलर ओवरी में, क्या मोनोलोकुलर मतलब वन चेंबर्ड ओवरी में होता है। क्लियर? एक्साइल प्लासेंटेशन में आते हैं, तो एक्साइल प्लासेंटेशन मल्टीलोकुलर ओवरी में होता है, या फिर मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये मल्टी कार्पेलरी ओवरी है और इसमें बहुत सारे चेंबर बने हुए हैं। ओव्यूल के चेंबर्स को, सॉरी ओवरी के चेंबर्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओवरी के चैम्बर्स को क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक्यूल, इस तरह से। ठीक है, तो ये लोक्यूल्स, बहुत सारे चैम्बर बने हुए हैं। तो इस लोक्यूल्स के ओवरी चैम्बर के एग्जाइल पोजीशन, यहां पे एग्जाइल पोजीशन पे अगर सीड अटैच्ड होगा, ओव्यूल अटैच्ड होगा, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं एग्जाइल प्लासेंटेशन। क्या कहते हैं? एग्जाइल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट होता है पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन में जो ओव्यूल होता है वो ओवरी वॉल के, क्या ओवरी वॉल के, ये ओवरी वॉल का इनर वॉल, ओवरी वॉल के इनर वॉल में या इनर सरफेस में, क्या इनर सरफेस पे, यहां पे अगर प्रेजेंट होगा सीड, ठीक है, पेरिफेरल वॉल के इनर
इनर सरफेस पे अगर सीड या ओव्यूल प्रेजेंट होगा तो इस तरह के प्लासेंटेशन को हम लोग कहते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। क्या कहते हैं? पेराइटल प्लासेंटेशन। ये पेराइटल प्लासेंटेशन आपको आपको कुकुम्बर में भी देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? कुकुम्बर में भी देखने को मिलता है। कुकुम्बर में क्या होता है ना, वैसा प्लासेंटेशन होता है जहां पे थोड़ा सा फॉल्स सेप्टा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे तो ट्रू सेप्टा देखने को मिलता है, किसमें? एक्साइल प्लासेंटेशन में, क्लियर। लेकिन पेराइटल प्लासेंटेशन में फॉल्स सेप्टा देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि फॉल्स सेप्टा से भी क्या हो चुका है, बोलो, फॉल्स सेप्टा से भी ये ओव्यूल अटैच होता है। इस तरह के अरेंजमेंट को भी क्या बोलते हैं हम? पेराइटल प्लासेंटेशन कहते हैं। और पेराइटल प्लासेंटेशन जिसके साथ फॉल्स सेप्टा देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा कुकर बिट्स में, क्लियर। और वैसा पेराइटल प्लासेंटेशन जिसमें ये फॉल्स सेप्टा देखने को नहीं मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है मस्टॉइड और आर्जिमोन में, किसमें? मस्टॉइड एंड आर्जिमोन में, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ये है ओवरी, यूनिलोकुलर ओवरी, और ओवरी में फ्री सेंट्रल मतलब सेंट्रल पोजीशन पे ऐसे ही क्या यहां पे होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होगा, तो इस तरह के प्लासेंटेशन को कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। अगर ओवरी के क्या, ओवरी के बेसल पार्ट से, ओवरी के बेसल पार्ट से एक सिंगल क्या ओव्यूल अटैच होगा तो इस तरह के अटैचमेंट को बोलते हैं बेसल प्लासेंटेशन। क्या कहते हैं? बेसल प्लासेंटेशन, क्लियर है। चलिए, सबका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जांपल होता है पी। क्या एग्जांपल होता है भाई? पी। नेक्स्ट एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन का एग्जांपल होता है टोमेटो। हमें क्या होता है? टोमेटो, चाइना रोज और लेमन। क्या होता है? तो हम लिखेंगे चाइना रोज, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। क्या? लेमन, ठीक है। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, चांद तारे ले आओ, ठीक है। क्या? चांद तारे ले आओ, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। आओ फॉर एग्जाइल चांद तारे एंड चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन पे। पेराइटल प्लासेंटेशन में दो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो हो जाता है मस्टर्ड, मस्टर्ड, और दूसरा हो जाता है, बोलो ना, मस्टर्ड, दूसरा क्या हो जाता है? मस्टर्ड, और दूसरा हो जाता है आर्जिमोन। क्या हो जाता है? आर्जिमोन, मस्टर्ड आर्जिमोन। इसको आप याद रख सकते हैं मैप से, मस्टर्ड आर्जिमोन और पी फॉर पेराइटल प्लासेंटेशन। यानी पेराइटल प्लासेंटेशन में मस्टर्ड और आर्जिमोन देखने को मिलता है। उसके अलावा कुकर बिट्स भी होता है, कुकर बिट्स में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्या? फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, फॉल्स सेप्टम। अब इस फॉल्स सेप्टम को हम कहते हैं रेपेलम। क्या कहते हैं भाई? रेपेलम, ठीक है। और ये रेपेलम या फॉल्स सेप्टम देखने को मिलता है किसमें? कुकर बिट्स में देखने को मिलता है, कुकर बिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल का एग्जांपल बहुत इजी, डाइएंथस एंड प्राइमरोज। क्या है? डाइएंथस एंड प्राइमरोज। तो कैसे याद रखेंगे डाइएंथस एंड प्राइमरोज? आपको इसको याद रखना है क्या? दिया और प्रिया। क्या है? दिया और प्रिया फ्री सेंट्रल। क्या याद रखना है? दिया और प्रिया फ्री सेंट्रल। तो दिया से हो जाएगा डायंथस और प्रिया से हो जाएगा प्राइमरोज। नेक्स्ट आ जाते हैं बेसल प्लासेंटेशन में। बेसल प्लासेंटेशन में सनफ्लावर और मैरीगोल्ड तो एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या? सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। उसके अलावा आपको याद रखना है ग्रामिनी फैमिली। मोनोकॉट्स में जो भी है ना वो सीरियल्स जो आते हैं वो ग्रामिनी फैमिली में आते हैं। जैसे मेज बेसल प्लासेंटेशन को रखता है, राइस बेसल प्लासेंटेशन को रखता है, वीट बेसल प्लासेंटेशन को रखता है, क्लियर। तो सनफ्लावर, मेज एंड ग्रामिनी फैमिली, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है इसका एग्जांपल। यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रूट। तो वो कुछ फ्रूट्स को मतलब बहुत शॉर्ट में ही एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन
बहुत पहले फ्रूट्स से, फ्रूट्स के टाइप से, जैसे पोम क्या होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, पीपो क्या होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, हेस्पिरिडियम क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। क्लियर? फ्रूट्स से, ठीक है, सिंकोनस फ्रूट्स क्या होता है, इस तरह से फ्रूट्स से क्वेश्चन आता था बहुत पहले। लेकिन जब से ट्रेंड चेंज हुआ है लगभग 2010 के बाद से, यानी पिछले 10-11 साल से, तब से ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है फ्रूट से। बस एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो सफिशियंट है, लेकिन फिर भी फ्रूट्स जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम आपको अभी उतना पढ़ा रहे हैं। फ्रूट्स को डिटेल में आपको अपने सीड से पढ़ना है, क्लियर? उसका मेनली एग्जाम्पल्स है ना, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट्स क्या होता है। सिंपल फ्रूट्स में फिर टाइप है, ड्रूप फ्रूट होते हैं, पेपो होता है, पोम होता है। वैसे फिर एग्रीगेट फ्रूट्स उसका एग्जांपल, कंपोजिट फ्रूट्स उसका एग्जांपल दे रखा है आपके सीट में। तो बस एक नाम कि हाँ भाई पोम है और पोम का एग्जांपल क्या है, पेपो सिंपल फ्रूट है इसका एग्जांपल क्या है, इस तरह से हमको ध्यान में रखना है, बस एग्जांपल एग्जांपल। क्लियर? तो आप उसको पढ़ेंगे अपने सीट से, कहीं कोई डाउट होता है तो पूछेंगे। और अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रूट्स बस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए, तो फ्रूट्स क्या है भाई? मैच्योर राइपेंड ओवरी क्या कहलाता है? फ्रूट्स कहलाता है। क्या? मैच्योर राइपेंड ओवरी क्या कहलाता है? फ्रूट्स कहलाता है। फ्रूट्स का डेवलपमेंट जनरली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता है। क्या? जनरली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन होता है। ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिनका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो गया डायरेक्ट ओवरी से, वैसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब बताओ फ्रूट्स का फॉर्मेशन अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से होगा तो बन जाएगा फ्रूट, लेकिन क्या ओव्यूल्स का फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं। एक सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ? नहीं। तो सीड का फॉर्मेशन होगा? नहीं। इसका मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बन रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से फ्रूट बन रहा है, वैसे फ्रूट में सीड प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को हम कहते हैं सीडलेस फ्रूट। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट। देखो पार्थेनोकार्पिक रिलेटेड विथ प्लांट किंगडम, रिलेटेड विथ प्लांट, ठीक है, कार्पिक मतलब आपको ध्यान में रखना है, पार्थेनोकार्पिक मतलब सीडलेस फ्रूट, या फिर अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का मैचुरेशन हो जाएगा फ्रूट में तो वैसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल बनाना। क्या एग्जाम्पल है भाई? बनाना। पार्थेनोजेनेसिस आपको देखने को मिलता है एनिमल में। कहां पे देखने को मिलता है? पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में देखने को मिलता है। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल ड्रोन का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है हनी बी में, तो उस कंडीशन को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पार्थेनोजेनेसिस रिलेटेड विथ एनिमल एंड पार्थेनोकार्पिक रिलेटेड विथ प्लांट। क्लियर है? फ्रूट्स में देखते हैं आगे। फ्रूट्स क्या होता है? इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी, इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी, इट इज मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैच्योर राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? फ्रूट्स कहलाता है। इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, नेक्स्ट है, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट fertilization of ovary is called parthenocarpic fruit. If fruit is formed without fertilization of ovary is called kya? is called parthenocarpic fruit. क्या होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट? और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट कहते हैं। वेरी गुड। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रूट होता है ना, इसमें आपको मेनली दो चीज देखने को मिलेगा। क्या?
फ्रूट्स में, फ्रूट में दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो फ्रूट का वॉल, क्या देखने को मिलेगा, फ्रूट का वॉल। फ्रूट के वॉल को हम लोग कहते हैं पेरिकार्प, क्या कहते हैं, पेरिकार्प। फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प, याद रखना। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फ्रूट में सीड, क्या देखने को मिलेगा, सीड, यानी इनसाइड द ओवरी वॉल क्या देखने को मिलेगा, सीड देखने को मिलेगा। ये जो पेरिकार्प है ना या फ्रूट वॉल है, ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी। जैसे कोकोनट में देखो ना, ड्राई है ठीक है ओवरी वॉल, लेकिन मैंगो में देखो ये जो पेरिकार्प होता है वो क्या होता है, फ्लेशी होता है, गुद्देदार होता है। इस पेरिकार्प का तीन कंपोनेंट होता है, कितना कंपोनेंट होता है, तीन कंपोनेंट। सबसे बाहर होता है एपिकार्प, क्या होता है, एपिकार्प। सबसे अंदर होता है इंडोकार्प, क्या होता है, इंडोकार्प। और एपिकार्प और मीजोकार्प, सॉरी एपिकार्प और इंडोकार्प के बीच में होता है क्या, मीजोकार्प, क्या होता है, मीजोकार्प, क्या होता है, मीजोकार्प। क्लियर है, नेक्स्ट सीड को हम पढ़ेंगे आगे, उसके बाद हम पढ़ते हैं जो फ्रूट्स होता है ना, फ्रूट्स, फ्रूट्स मेनली दो तरह का है अगर देखा जाए तो, फ्रूट्स मेनली कितने तरह का है, दो तरह का, एक तो होता है ट्रू फ्रूट और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, क्या होता है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट लिखेंगे। फ्रूट कितने तरह का, दो तरह का, एक होता है ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट को ही बोलते हैं यूकार्पिक फ्रूट, क्या कहते हैं, यूकार्पिक फ्रूट, और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट, और फॉल्स फ्रूट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट, क्या कहते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट को क्या कहते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट, स्यूडोकार्पिक फ्रूट, क्लियर। चलिए ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट क्या होता है सर, क्या ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट क्या होता है, सुनना ध्यान से और लिखना भी। When fruit develop from ovary, हमने लिखने जा रहे हैं ना, आपको लिखना भी, क्या, When fruit develop from ovary, अगर फ्रूट का डेवलपमेंट डायरेक्ट ओवरी से होगा तो वैसे फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट, क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट। क्लियर, एग्जाम्पल मैंगो कोकोनट, अगर फ्रूट का डेवलपमेंट क्या अदर देन ओवरी से होगा, अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट अदर देन ओवरी से हुआ तो वैसे फ्रूट को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। व्हेन फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, और अगर फ्रूट्स का डेवलपमेंट डायरेक्ट ओवरी से होता है तो उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। चलिए ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल पता चला, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, नेक्स्ट आएगा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा, तो भाई फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एप्पल, एप्पल का हम थैलेमस खाते हैं, क्या खाते हैं, थैलेमस, ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी का भी थैलेमस खाते हैं, पियर का भी थैलेमस खाते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट, यानी फ्रूट्स का फॉर्मेशन अदर देन ओवरी से होगा तो फॉल्स फ्रूट, और फ्रूट का फॉर्मेशन अगर ओवरी से होगा तो वैसे फ्रूट को कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे थोड़ा सा और फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। फ्रूट्स मेनली तीन तरह का होता है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट्स, जो आपको अपने सीड से पढ़ना है, कहीं कोई डाउट आता है तो पूछना है, यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बस सिंपल फ्रूट, क्या सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में होता क्या है, डायरेक्ट फ्रूट का फॉर्मेशन मैच्योर ओवरी से होगा, ठीक है, इट में भी मोनोकार्पेलरी ओवरी, इट में भी मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी, क्या मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस ओवरी, यानी बहुत सारे कार्पस लेकिन आपस में फ्यूज होंगे तब भी वो क्या बनेगा, सिंपल फ्रूट ही बनेगा। क्लियर है, तो हम पढ़ेंगे सिंपल फ्रूट, क्या पढ़ेंगे, सिंपल फ्रूट। और सिंपल फ्रूट में हम पढ़ते हैं सबसे पहला जो एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है वो है ड्रुप फ्रूट, क्या दिया हुआ है, ड्रुप फ्रूट, क्या ड्रुप फ्रूट, लेकिन ड्रुप DRUPE है ना, ड्रुप फ्रूट। ड्रुप फ्रूट कहने का मतलब है, ड्रुप कहने का मतलब होता है स्टोनी इंडोकार, क्या होता है, स्टोनी इंडोकार, देखते हैं ड्रुप फ्रूट क्या होता है। दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, लिखेंगे दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम
डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी क्या मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी क्लियर। ड्रॉप फ्रूट में दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। इसमें जो इंडोकार्प होता है वो हार्ड एंड स्टोनी होता है, तो इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होने के कारण वैसे फ्रूट को हम कहते हैं ड्रुप फ्रूट। क्या कहते हैं? ड्रुप फ्रूट। नेक्स्ट, इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी, इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी, इंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी। सो दीज फ्रूट आर कॉल्ड, सो दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड, सो दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड क्या कहते हैं? स्टोनी और ड्रुप फ्रूट। क्या कहते हैं फ्रूट को? स्टोनी और ड्रुप फ्रूट। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है याद रखना, ड्रुप फ्रूट किस है? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुआ है। कहां से? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से। क्या मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी? ऐसा भी हो सकता है क्या सर कि इंफीरियर ओवरी या फिर पेरीगाइनस कंडीशन, मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी से अगर जो फ्रूट डेवलप हुआ वो ड्रुप फ्रूट हो, ऐसा हो सकता है? ठीक है, मेनली देखना है कि इंडोकार्प जो है वो हार्ड और स्टोनी होना चाहिए। क्या इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होना चाहिए? अगर इंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होगा तो वैसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ड्रुप फ्रूट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए, मैंगो का हम क्या खाते हैं? मैंगो का खाने वाला पार्ट होता है मीजोकार्प। क्या खाते हैं? मीजोकार्प। और कोकोनट का हम क्या खाते हैं? कोकोनट का क्या खाते हैं? कोकोनट का हम खाते हैं इंडोस्पर्म। ये आपको याद रखना है। क्या? इंडोस्पर्म। कोकोनट का हम खाते हैं इंडोस्पर्म। क्लियर। तो आप इसका एक ट्रिक याद रख सकते हैं, पूरे ड्रुप फ्रूट का कभी कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए क्या याद रख सकते हैं? एमएस धोनी। क्या? एमएस धोनी। एमएस धोनी क्या करता है? एमएस धोनी मैंगो एंड कोकोनट खाता है। याद रखना है। क्या याद रखना है? एमएस धोनी मैंगो एंड कोकोनट खाता है, कोकोनट खाता है। अब देखो क्या हुआ, मैंगो और कोकोनट तो तुमको याद रहेगा, ठीक है। एमएस धोनी से कंफ्यूजन हो क्या हुआ? मोनोकार्पेलरी, देखा तुमको मोनोकार्पेलरी होगी। क्या? मोनोकार्पेलरी होगी। दूसरा एस से सुपीरियर। क्या? मोनोकार्पेलरी सुपीरियर होगी। एमएस धोनी डिफॉर ड्रुप फ्रूट क्या बनाता है? ये ड्रुप फ्रूट बनाता है, हार्ड एंड स्टोनी इंडोकार्प। क्या? हार्ड एंड स्टोनी इंडोकार्प। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? मैंगो एंड कोकोनट। बाकी फ्रूट आपको सीड से पढ़ना है, वो भी एग्जाम्पल्स है ना, पूरा नाम कहानी नहीं पढ़ने लगना, बस एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक बार देख लेना है, कहीं कोई डाउट आता है तो पूछना है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सीड, इसके बाद फ्रूट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीड। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकॉट सीड का और थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकॉट सीड का। डिटेल में सीड को हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद, मतलब उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो अभी जितना एनसीईआरटी में दे रखा है 11th क्लास में सीड के बारे में, अभी हमको उतना पढ़ लेना है। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे सीड। हमें सीड क्या है? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिक्स है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स का डेवलपमेंट किसमें होता है? सीड में होता है, यानी मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। क्या? मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड कहलाता है, या ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड लिख सकते हैं। सीड क्या है? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या? ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू
शीट डेवलप्ड इनटू शीट ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू शीट। अगर आप सीड को देखेंगे तो सीड में मेनली दो पार्ट होता है शीट। अगर आप सीड को देखते हैं तो सीड में मेनली दो चीज होता है, एक तो होता है सीड कोट। क्या होता है? सीड कोट। सीड कोट को ही हम कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। और दूसरा होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर? अगर आप डाइकॉट के सीड को देखिए तो ये दो कॉटिलीडन होता है उसके पास, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। क्या होता है? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये वाला पोर्शन जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये वाला क्या है? दो कॉटिलीडन है। क्या है? कॉटिलीडन। ये कॉटिलीडन क्या है? इंडोस्पर्म का पूरा कन्वर्जन स्टोर्ड फूड यानी कॉटिलीडन में हो जाता है। ठीक है, तो वैसे सीड को हम लोग बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, यानी जो डाइकॉट है ना, डाइकॉट, उसमें इंडोस्पर्म पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉटिलीडन में। और वैसे सीड को क्या कहते हैं? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकॉट्स के पास एक कॉटिलीडन होता है, और कुछ जो इंडोस्पर्म होता है वो इंडोस्पर्म के फॉर्म में रहता है। यानी वैसे सीड्स जिसका कन्वर्जन, जिसमें इंडोस्पर्म का कन्वर्जन अगर कॉटिलीडन में नहीं होगा, तो वैसे सीड को हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड। वहां पे आएंगे बाद में। हाँ भाई, तो सीड में दो चीज होता है, एक तो होता है सीड कोट। अब यहाँ पे सीड कोट होता है, आपको पता है आउटर सीड कोट या आउटर इंटेगमेंट को हम कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। और इनर सीड कोट या इनर इंटेगमेंट को हम कहते हैं टेगमेंट। क्या कहते हैं? हो सकता है वन कॉटिलीडन हो या फिर सिंगल कॉटिलीडन हो, तो लिख सकते हैं वन और टू कॉटिलीडन। इम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या होता है? वन और टू कॉटिलीडन। नेक्स्ट, अगर आप इस इम्ब्रियोनल एक्सिस को देखें तो इसमें दो पार्ट होता है, एक जो रूट बनाता है उसको कहते हैं रेडिकल, और जो शूट बनाता है उसको हम लोग कहते हैं लिम्यूल। क्या कहते हैं? लिम्यूल। तो इम्ब्रियोनल एक्सिस के पास दो मटेरियल होता है, दो चीज होता है, एक तो होता है क्या? रेडिकल। और ये रेडिकल क्या करता है? रूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? रूट का फॉर्मेशन करता है। और दूसरा होता है प्लिम्यूल, होता है प्लिम्यूल। ये प्लिम्यूल क्या करता है? सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। क्या? सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप सीड को अगर देख रहे हैं, डाइकॉट सीड को, या चना को ही देखो ना ध्यान से, या फिर मटर को ही देख लो पी को, तो वहां पे आपको यहाँ पे एक लाइट स्कैर दिखेगा, एक दाग दिखेगा छोटा, जिसे स्कैर को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। तो हाइलम क्या है? ये स्कैर है, सीड के पास एक स्कैर है। ये दिखाता है कि जब जब ये जो सीड है या जो ओव्यूल है, जब ओवरी वॉल से अटैच था, जब ओवरी वॉल से अटैच था, तो इसी प्लेस से क्या था? अटैच था। यानी यानी हाइलम क्या होता है? साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट्स को दिखाता है। किसको दिखाता है? साइट ऑफ अटैचमेंट टू द फ्रूट। फ्रूट यानी ओवरी वॉल से, ये जो सीड है वो ओवरी वॉल से अटैच था, उसी साइट ऑफ अटैचमेंट को कहते हैं हाइलम। कहते हैं हाइलम। नेक्स्ट, इस हाइलम के जस्ट एवब आपको एक पोर दिखेगा। हाइलम के जस्ट एवब आपको एक पोर दिखेगा, अगर किसी ऐसे दिखना, ठीक है? हाइलम के जस्ट एवब एक क्या दिखेगा? पोर दिखेगा। इस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, तो इस माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? क्या माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है? पहला तो अगर आपको ध्यान हो तो ओव्यूल्स में जो इंट्री होता था पॉलन ट्यूब का मेल गैमेट्स को लेके, वो माइक्रोपाइल से ही होता था। तो पहले तो ये एक पाथ प्रोवाइड करता है पॉलन ट्यूब को इंटर करने के लिए। दूसरा, सीड में इसी के थ्रू डिफ्यूजन और गैसियस एक्सचेंज होता है। उसके अलावा जब सीड जर्मिनेट करता है तो रेडिकल जो इमर्ज होता है, रूट इमर्ज होता है, वो इसी
माइक्रोपाइल के थ्रू इमर्ज होता है। सीड में वाटर इंटर करता है, वो भी इसी माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करता है। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शन है माइक्रोपाइल का और ये कुछ स्ट्रक्चर है डाइकॉट सीड का। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। नेक्स्ट हेडिंग देंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। क्या स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड? ये मोनोकॉट सीड है, इसका जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है मोनोकॉट सीड का, ये मैक्सिमम पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो मैक्सिमम पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मोनोकॉट सीड में, ये क्या है? ये मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो होता है ना मोनोकॉट सीड का, वो क्या होता है? ये सब क्या है? ये सब एंडोस्पर्म। क्या है ये सब? एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो एंडोस्पर्म मोनोकॉट सीड में लार्ज होता है, बल्की होता है। कैसा होता है? लार्ज एंड बल्की होता है। कैसा? लार्ज एंड बल्की एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मोनोकॉट में कोई बताएगा कि इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, मतलब कि ये हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? क्या होता है अभी? हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? क्या होता है ये? क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि आपको पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का प्रॉपर्टी है, और एंजियोस्पर्म तो मोनोकॉट भी है। ठीक है, यानी ये जो एंडोस्पर्म है ये भी एंजियोस्पर्म है, और इसका भी एंजियोस्पर्म क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन के कारण ट्रिप्लॉइड होगा। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये लार्ज बल्कि ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये इंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पूरा इंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। इंडोस्पर्म का जो आउटर लेयर है ये सीड को और इंडोस्पर्म को एक दूसरे से अलग करता है। इस इंडोस्पर्म के आउटर लेयर को कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरॉन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरॉन लेयर। इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो एल्यूरॉन लेयर भी क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये जो लेयर है ये भी किसका लेयर है? इंडोस्पर्म का ही लेयर है, इसलिए ये भी क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस इंडोस्पर्म के ग्रूव में एक साइड में छोटा सा एक कोना में ये जो इंडोस्पर्म है उसका कन्वर्जन हो जाता है, थोड़े से इंडोस्पर्म का कन्वर्जन हो जाता है कॉटिलीडन में, और इस सिंगल कॉटिलीडन को कहते हैं स्पुटेल। और ये सील्ड शेप का होता है। कैसा होता है? सील्ड शेप, जैसे पहले लड़ाई करने के लिए सील्ड का यूज करते थे ना, उसी शेप का होता है ये लगभग। तो सील्ड शेप का कॉटिलीडन होता है, और सील्ड शेप्ड कॉटिलीडन को क्या कहते हैं? स्पुटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पुटेलम। तो ये है स्पुटेलम। क्या है? स्पुटेलम। उसके बाद इसके पास मोनोकॉट्स के पास छोटा सा इंब्रियोनल एक्सिस होता है, और तुमको पता है कि इंब्रियोनल एक्सिस में जो नीचे रहेगा वो बनाएगा रेडिकल को, किसको बनाएगा? रेडिकल को, और जो ऊपर होगा वो बनाएगा लिम्यूल को। किसको बनाएगा भाई? लिम्यूल को। और लिम्यूल आपको पता है कि सूट सिस्टम बनाता है और रेडिकल रूट सिस्टम बनाता है। इस इम्ब्रियोनल एक्सिस को प्रोटेक्ट किया जाता है कवरिंग से, एक सीथ से। उस सीथ का नाम होता है, उस कवर का नाम होता है, अगर रेडिकल के पास वो कवर है तो उसका नाम होगा कोलियोराइजा। क्या होगा? कोलियोराइजा। क्या नाम होगा? कोलियोराइजा। और अगर इसी कवरिंग का नाम अगर इसी कवरिंग का जो प्लेस होगा वो प्रीम्यूल्स के पास होगा तो उस कवरिंग का नाम होगा कोलियोटाइल। क्या नाम होगा भाई? कोलियोटाइल। ठीक है, मोनोकॉट सीड में जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है। क्या होता है? सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है। तो सीड कोट और फ्रूट वॉल, क्या सीड कोट और फ्रूट वॉल एक साथ फ्यूज होता है, तो ये जो आउटर कवरिंग है वो अल्टीमेटली है क्या? ये है सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। क्या है? फ्रूट वॉल। क्लियर? तो यहां तक आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम इसके बारे में लिखते हैं कुछ। अब हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर इंडोस्पर्मिक। आपको दिखा कि मोनोकॉट सीड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है? इंडोस्पर्म। क्या है?
इंडोस्पर्म। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे जनरली मोनोकॉट सीड्स आर इंडोस्पर्म, जनरली मोनोकॉट सीड आर क्या इंडोस्पर्मिक, जनरली मोनोकॉट सीड्स आर इंडोस्पर्मिक। एग्जांपल बहुत सारे मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स है ना, जैसे कि मेज हो जाएगा, वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ये सब मोनोकॉट्स है ना। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स क्या है, मोनोकॉट है, और ये इंडोस्पर्मिक होते हैं। क्या होते हैं भाई, इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन एक ऐसा मोनोकॉट है जो नॉन इंडोस्पर्मिक है, और आपको पता होता है एग्जाम्पल ऑर्किड, ठीक है, ये जो ऑर्किड है एक्सेप्ट ऑर्किड, ठीक है, नॉन इंडोस्पर्मिक है। क्या ये नॉन इंडोस्पर्मिक, ठीक है, तो देखेंगे इसको नेक्स्ट। दूसरा, इन सीड सीरियल सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। अभी आपको पता है, अभी हम डायग्राम में भी देखें कि जो सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, इसलिए फ्रूट वॉल के साथ वो फ्यूज कर जाता है। किसके साथ, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो देखेंगे इन सीरियल्स या इन मोनोकॉट्स, इन सीरियल्स क्या सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, इन सीरियल्स सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो इंडोस्पर्म देखने को मिलता है आपको मोनोकॉट में, वो लार्ज एंड बल्की देखने को मिलता है। इंडोस्पर्म बल्की एंड लार्ज एंड बल्की एंड स्टोर फूड। इंडोस्पर्म कैसा होता है, इंडोस्पर्म लार्ज बल्की एंड स्टोर फूड, वो क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म जो होता है वो क्या, एम्ब्रियो को या फिर आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म जैसे एल्यूवल है, वो एम्ब्रियो को या कॉटिलेडन को क्या करता है, सेपरेट करता है। क्या करता है, सेपरेट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म क्या सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनिशियस लेयर, आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीनिशियस लेयर। क्लियर है, बाय प्रोटीनिशियस लेयर। और इस प्रोटीनिशियस लेयर को कहते क्या थे, कहते थे एल्यूरॉन लेयर, कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। और ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, अगर आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट, इम्ब्रियो जो होता है वो स्मॉल होता है और इंडोस्पर्म के ग्रूव में एक कोना में छोटा सा प्रेजेंट होता है। क्लियर है। और यहीं पे आप देखें कि सिंगल सिल्ड शेप्ड कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कुटेलम। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं कि जो इम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है और सिचुएटेड होता है इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ इंडोस्पर्म। तो यहां पे देखो इम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है और लिख सकते हैं सिचुएटेड एट वन एंड ऑफ इंडोस्पर्म के एक टर्मिनल पे ये प्रेजेंट होता है, ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सिंगल सीड शेप्ड कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, हमें सीड सेव्ड कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, मोनोकॉट में क्या कहते हैं,
स्कूटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्कूटेलम, बिल्कुल सही, क्या कहते हैं? स्कूटेलम। नेक्स्ट, अगर ये जो इम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, ये छोटा सा होता है, आपको पता है स्मॉल इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और स्मॉल इम्ब्रियोनल एक्सिस में हम देखेंगे कि दो चीज होता है, एक होता है प्रीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल। क्या होता है? प्रीम्यूल और रेडिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट इम्ब्रियोनल एक्सिस, शॉर्ट इम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलता है, और इस शॉर्ट इम्ब्रियोनल एक्सिस में होता है रेडिकल। क्या होता है? रेडिकल। इस रेडिकल को प्रोटेक्ट कौन करता है? कौन करता है? कोलियोराइजा। कौन करता है भाई? कोलियोराइजा। तो रेडिकल लिख देंगे इनक्लोज्ड इन सीथ, इनक्लोज्ड या प्रोटेक्टेड बाय सीथ, इनक्लोज्ड इन सीथ, और उस सीथ का नाम क्या है? कोलियोराइजा। क्या नाम है भाई? कोलियोराइजा। नेक्स्ट, दूसरा एक होता है प्लीम्यूल। क्या होता है? प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल जो है वो इनक्लोज्ड होता है, इनक्लोज्ड इन, बोलो ना, सीथ, और इस सीथ का नाम होता है कोलियोटाई। क्या होता है? कोलियोटाई। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी शीट्स का। मेनली दो टाइप्स होता है, एक होता है, देखो होता तो तीन टाइप है, लेकिन ट्वेल्थ में पढ़ेंगे जाके, इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक। एक होता है सीट पेरियोस्पर्मिक सीट, ठीक है, जो यहाँ पे बताना अभी ठीक नहीं है, ट्वेल्थ में हम आपको बताएंगे, और पेरियोस्पर्म क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब चीज अभी थोड़ा सा आप इंडोस्पर्म के बारे में जानते हैं, इसलिए ये चीज देख रहे हैं हम। तो सीट मेनली दो तरह का हम देखेंगे, एक तो होता है इंडोस्पर्मिक सीट और दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीट। इंडोस्पर्मिक सीट कहने का मतलब है कि सीट के पास इंडोस्पर्म है, अभी उसका पूरा का पूरा कन्वर्जन कॉटिलीडन में नहीं हुआ है, और वैसे सीट को हम कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीट। और दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक सीट, यानी कि पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कन्वर्ट हो चुका है किसमें? कॉटिलीडन में। किसमें? कॉटिलीडन में। इंडोस्पर्मिक सीट को एल्बुमिनस सीट भी कहते हैं, और नॉन इंडोस्पर्मिक सीट को नॉन एल्बुमिनस सीट भी कहते हैं। तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे शीट, और सीट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है इंडोस्पर्मिक और दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक। अगर लिख देते हैं इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक का एक दूसरा नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस सीट, एल्ब्यूमिनस सीट, और नॉन इंडोस्पर्मिक का दूसरा होता है नॉन इंडोस्पर्मिक, और नॉन इंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीट, एल्ब्यूमिनस सीट। क्लियर है? सॉरी, नॉन इंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीट। क्या होता है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीट। और इंडोस्पर्मिक सीट का नाम होता है एल्ब्यूमिनस सीट, और नॉन इंडोस्पर्मिक का नाम होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीट। देखो ये इंडोस्पर्मिक सीट मतलब कि जिसके पास कॉटिलीडन के अलावा इंडोस्पर्म है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में क्या होता है कि पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में कन्वर्ट नहीं होता है, क्लियर, यानी कि वो क्या है इंडोस्पर्मिक सीट है, यहाँ पे इंडोस्पर्म देखने को मिलता है, और इंडोस्पर्मिक सीट का ही दूसरा नाम क्या है? एल्ब्यूमिनस सीट। लेकिन आप समझ गए इंडोस्पर्मिक सीट, यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। नॉन इंडोस्पर्मिक सीट कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा इंडोस्पर्म कॉटिलीडन में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे इंडोस्पर्म देखने को नहीं मिल रहा है सीट में। क्लियर? और ऐसा होता है, एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ द डाइपॉड, मोस्ट ऑफ द डाइपॉड में ऐसा होता है। क्लियर? तो इसका जो एग्जाम्पल है हो गया मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक। उसके अलावा एक डाइकॉट प्लांट है कैस्टर, क्या है? कैस्टर। तो कैस्टर जो है वो है डाइकॉट, यानी होना चाहिए उसको नॉन इंडोस्पर्मिक, लेकिन फिर भी वो क्या है? इंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन में कैस्टर। ये कैस्टर क्या है? इंडोस्पर्मिक है, लेकिन है ये क्या? डाइकॉट। चलो यहां है नॉन इंडोस्पर्मिक में भी एक एक्सेप्शन है। अब यहां पे आ जाइए, नॉन इंडोस्पर्मिक यानी होना कैसे? मोनोकॉट, लेकिन ऑर्किड। क्या है ऑर्किड? ऑर्किड क्या है? मोनोकॉट है। क्या है? मोनोकॉट। लेकिन इसमें क्या है? इंडोस्पर्म नहीं है, यानी ये नॉन इंडोस्पर्मिक है, ये है मोनोकॉट। मोनोकॉट तो मोनोकॉट होने के बावजूद भी ये नॉन इंडोस्पर्मिक है, सॉरी हाँ, मोनोकॉट होने के बावजूद भी क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक है। और डाइकॉट होने के बावजूद भी क्या है? इंडोस्पर्मिक है। तो आज के लिए इतना ही सीड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। अपना ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है फ्लोरल फॉर्मूला। तो एनसीईआरटी से फ्लोरल फॉर्मूला को एक बार पढ़ लेंगे आप। दूसरा, अभी तक जितना पढ़ लिए हैं उसको आप पूरे एनसीईआरटी से पढ़ लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कीजिए अभी, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, बस फ्लोरल फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं होगा, फैमिली से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज और अभी आपको पूरे क्वेश्चन को कर लेना है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।